तीन माह पूर्व बिलोना की एक युवती द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने की घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने से नाराज परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। यहां बता दें कि बिलोना निवासी प्रियंका ने नुमाइश मैदान के समीप गत तीन माह पूर्व कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिजनों ने मृतका के मंगेतर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने आज तक मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़के के खिलाफ तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजनों ने मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को गिरफ्तार करने की मांग की है। कि मैं चेलगांव में मतलब न्याय नहीं मिल रही और 5 अक्टूबर में मैं चली जहर खवाई गई, मैं चेलगांव खाई नहीं रहा खवाई गई और क्यों नहीं अक्टूबर में जहर खाए भी और के सुनवाई ना आ रहा हूँ दिन भटी और 4 दिन में मेरी FIR दर्ज हुए और FIR कराए भी आप पुलिस वाले को नहीं कि सबूत लाओ तब हम उसको मतलब बधिर कर उन्हें अब हमारे पास सबूत कहाँ चेली थे मैं चेल ले रहेगी तो सबूत कहाँ बाहर सबूत तो वही छू जो मैं चेल का घर बली जा रहा हूँ और वही क्यों नहीं घर बली जा रहा और वही कातिल हूँ वही मुलजिम हूँ वही ले मैं चेल का जहर खिलाई रहा और घर में भले का गाड़ी में बैठा हुआ वो ला मैं चेल का और सब चीज़ यही बात 7 बजे जब मैं चेली जहर जब शरीर में फैल गई वो बात वो उन्होंने कि मैं हूँ फोन होना कि तो मैं चेली लिए असस करें अब मेरे कहा न्याय मिलना चाहें इधर जाग मिल रह गई और मेरे कहा कि न्याय नहीं मिला आता लग और मैं SP वाले पूछ गई मैं थाने वाले पूछ गई और वहाँ सजा नहीं मिलना आता लग आदिल बिहार में मतलब हर जगह घूमना और कसी मारी कि वही सबूत वहाँ पूछी जाओ चाहें कि कंप्यूटर करूँ तो मैं चली कंप्यूटर पूरा गई और जिस दिन लगो उस दिन मैं चली कंप्यूटर साहब ढूंढते जा रही और तय भो मैं तैयार जॉब लगून का भी बाहर ले रही सुई चल दी और बैठा लगो और उस दिन बड़ी के सुनवाई में ना आ रही और मुलजिम घूमना और हम उनका सबूत लाओ तब हम उनका बधेर कौन को नहीं आ तीन महीने गई हो तीन महीने गई आ तो के खोज खबर ना आ तो क्यों ऊँचा गिल का मेरा न्याय मिलना चाहे और गरीब ऐसी मेरा गिर लागने कोई सुना और सुन में ऊँचा कि आखिर वहाँ बंद ऊँचा तब बंद बोल जब तब हम उनका मतलब वो बता कि मैं ये सब कारण पर वीर का मेरे अत्याचार हो घर में ली जा रहा हूँ ईमान सु नाम छो उसे कह कि आमा मैं क्यों नहीं प्रियंका का बजा ले जाऊँ सर्टिफिकेट निकालू छू वो बताया जॉब लगून वो बात घर पर जानी रहे मैं ना दिन हंसते खुशते घर पर जा रहे आप पुलिस आन का मन FIR करी जब वो कोने की सबूत आओ सबूत कहाँ बोलो उन्होंने हम घर बैठे सबूत के घर धर जाए भाई ने दिन मान बजा रहे ब्याह 7 बजे फोन में कह के तो मैं नचनी ठहर खा रखा मुझे एडमिट कर रखी हॉस्पिटल हम देर में पूछा हमारा जानू सब कुछ उन्होंने लेखत पढ़ सब कर बयान ले लिया हाँ क्यों होने हमारे कहाँ के नहीं भो हम संसार पूछ गया कि डीम कोर्ट ले पूछ गया क्यों आप दूसरे फिर रहेगी आज तक कि न्याय निशाब नहीं मिला मुका निशाब मिलना चाहे कादिल छो ईमान सो छो जहर खौड़ी सो ईमान सो हम यहाँ मुखलब हम कादिल मुंजुम का पको ये आज 3 महीने हो गए प्रियंका को मरा हुआ कोई मतलब जांच नहीं हुई कि घर में आ रहे कि सबूत दो वो मरने वाली हूँ करके सोचती तब वो सबूत रखती अब घर में सबूत कहाँ से आएंगे वो घर से ले गया क्या कहते हैं 2-3-4 दिन तक इनके FIR दर्ज नहीं हुई 4वें दिन में इनका FIR दर्ज हुई उसके बाद कोई DM कोर्ट भी आज के बाद 2 बार आ गए यहाँ से भी कोई सुनाई नहीं हुई सबूत मांग रहे हैं सब लोग अब सबूत कहाँ से देंगे जो सबूत ही वो तो चली गई अब वो जो ले गए है वही सबूत है इनके पास उसी पर जो घर से ले गया बैग में बैठा के उसी पर शक है हिमांशु घर से तो वो ले गया उसने बोला कि घर से कि क्या तेरे सर्टिफिकेट की ये कंप्यूटर की सर्टिफिकेट निकालते हैं और कल तेरी जॉब लगा देंगे वो 1 बजे घर से ले गया और 7 बजे लड़की हॉस्पिटल में जहर खाई मिली इनको वो तो साथ है ना उसको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसी को पता होगा घर वालों को तो कुछ पता नहीं है घर से तो हंसते खुशते गई अब 3 महीने तक कोई कागजात सब पुलिस वालों ने कोई जांच पड़ताल नहीं की 3 महीने हो गए मोबाइल जमा कर रखा है वहाँ और मोबाइल का भी कुछ पता नहीं है हमें कुछ सबूत ही नहीं मिल रहा है हमने बोला कि कैमरा चेक करो कोई क्या पता कैमरा में सबूत मिल जाए तो कह रहे हैं कि सरकारी कैमरा ख़राब है बोल दिया पुलिस वालों ने सरकारी कैमरा सब खराब है थाने के बाहर के भी खराब हैं और यहाँ ये नमाज़ खेत का भी खराब है सरकारी कैमरा सब खराब है बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि मार्केट में झगड़ा हुआ तब बोला हमने कि मार्केट में झगड़ा हुआ तो कैमरा देखो एक बार उसमें पता चलेगा उन्होंने बोल दिया कि कैमरा खराब है
तो अब हमारे पास क्या सबूत होगा? पुलिस वाले घर में आ रहे हैं कि सबूत दो। अरे हमारे पास सबूत होते तो हम खुद आगे को जाते, पुलिस वालों की हेल्प क्यों लेते? आज 3 महीने हो गए, 3 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 बार तो हम यहीं आ गए जुलूस लेके, यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।